करंट सब आ रहा है। ओरे ओरे ओरे। आया अभी आई थी यहाँ। आई आई देखिए पुराना व्लॉग मैं अभी सेव कर रहा हूँ, अभी तक तो ये डाला भी नहीं था। मम्मी की मेरे को एक ज्ञान की बात सुनाई थी तो मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूँ। बताना क्या क्या बताते आप मम्मी? कुछ हरी मिर्च के बारे में, हरी मिर्च के फायदे बता रही थी कि हरी मिर्च खाने से आपका आप कहीं भी जाओगे तो पानी छूट करेगा। एक मिनट दोबारा बताता हूँ। हाँ तो क्या बता रहे थे? आप हरी मिर्च खाओगे तो हरी मिर्च खाने से आप कहीं भी जाओ, रोड पे जाओ, कहीं घूमने बाहर का पानी सूट करेगा, ठीक है। दूसरी बात, आंखों के तौर के लिए बहुत अच्छी लग रही है। वो सब तो ठीक है लेकिन हरी मिर्च तो सूट ना कर रही। कल इतनी सारी हरी मिर्च छोंक दी मैंने, वो खा ली जोर जोर में, बहुत सारी खागा या ना वो बहुत खतरनाक तरीके से साफ हो सके। तू महीने तक बैठा रहा है उसमें लेटरिंग में, ठीक है। ये अगली बात है, वो तो मेरा दिमाग चलता है, मैं सोचता रहूं अंदर में बैठ कर ही आगे फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना। वहाँ बहुत तगड़ी प्लानिंग हो गया वहाँ पे भाई। ये बात तो मैंने देखी ना भाई। के नाम बताया था कौन से परांठे थे? प्याज टमाटर के। मम्मी ने कुछ परांठे बनाए, वो खाता हूँ, उसके बाद फिर नहा दोगे, फिर अगला व्लॉग शुरू करते हैं। वाईफाई यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। मेरे कमरे तक स्पीड आती है थोड़ी सी कम, इसलिए मैं यहाँ लेकर बैठ जाएगा। रात में कई बार मैं यहाँ बैठा रहा हूँ ऐसे भिखारी उत्तर गेट का आगे बैठा हूँ वाईफाई चक्कर में, जब यहाँ तक अपलोड होगा फिर ये वीडियो। मम्मी ने करेले की सब्जी बना रखी है, पर अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कई बार ना मैं घी रख लूँ ना जब रोटी खाता हूँ, मैं घी और रोटी खा जाऊँ सब्जी धरी रह जाए, बेचारी बैठी बैठी देखती रहे सब्जी, जैसे जो बैठे बैठा मैंने देखेगा रोटी खाते हुए ऐसा सब्जी देखती रहे कि भाई साहब मैं भी थी अब तो भूल ही गए। गाइज ऐसा है, जिम गए हुए तो एक अरसा हो गया आप लोगों को पता ही है। अब खैर मैंने पहले ही छोड़ दी थी, मैंने तो जब बंद भी ना हुई थी मुझसे पहले ही छोड़ी ना थी, पर एक वो और था कि शूट वगैरह चक्कर में जाना हो ना पा रहा था, लेकिन अब इतना ज्यादा मन कर रहा है। और कुछ लोग मेरे भाई बंधु जो मेरे को इंस्टाग्राम पर मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने जिम विम करी थी, थोड़ा फेस फैट भी कम हो गया था, थोड़े डोले शोले भी ठीक हो गए थे, वो वाली वीडियो भेज भेज कहते रहेंगे भाई ये देखो हमें ये वाला मनीष वापस चाहिए, ये वाला वो चाहिए। पर भाई मैं करूँ क्या, अभी जिम विम खुल जाएंगे ना उसके बाद थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू करूंगा। अभी तो मैं दौड़ बिना मास्क हूँ, मम्मी मना करा है कि मास्क पहन के दौड़ना नहीं चाहिए, और बिना मास्क के रोड पे सेफ है नहीं, तो दोनों साइड से बंद। इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद ही थोड़ा बॉडी वॉडी पर ध्यान देंगे, इतने जिंदा रह लेते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एक बार गाड़ी देखने, गाड़ी क्योंकि चार दिन से वहीं खड़ी है लावारिस की तरह, और इसने अभी तक उठवाई बिना वो गैरेज वैरेज बनते हैं ना, वो 24 तारीख तक का लॉकडाउन था, कल शायद खुल जाएगा तो कल कहीं छोड़ गई। अभी देखे आते एक बार जाके कि उसकी हालत ठीक ठाक है ना है, क्या पता स्टार्ट ही हो जाए। चला एक बार चला, चलो चलते हैं। ओके मॉम हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ओके चलो जी चलते हैं। मम्मी ने एक बार छोटे मोटे काम बताए वो और कर देता हूँ, क्योंकि जतिन शर्मा जी को याद नहीं रहेंगे वो करके नहीं गए, ये पर्दे लगाने थे ऐसे। तो भाई लोग मैं यूज कर रहा हूँ आजकल वाओ स्किन साइंस की एलोवेरा रेंज, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट है ये फोमिंग फेस वॉश, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, और एलोवेरा तो वैसे भी स्किन के लिए अच्छा होता है ये आपको पता ही होगा। इसमें ये सिलिकॉन ब्रश है जो आपकी स्किन से डर्ट और इम्प्योरिटीज निकाल के आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। दूसरा है ये एलोवेरा सूदिंग जेल, ये आपकी स्किन को रिवाइव करता है और सनबर्न में भी हेल्प करता है आपकी स्किन की रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन को कम करने में। आप जब भी बाहर धूप में जाए आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखेगा। थर्ड है ये एलोवेरा मल्टीविटामिन फेस क्रीम जो कि आती है ये एयरलेस जार बोतल में, इसमें आप कैप को ओपन करके क्रीम को प्रेस करके बाहर निकालते हो, इससे क्रीम में गंदे हाथ में नहीं लगते और हाइजीनिक भी रहता है। ये क्रीम आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करती है और आपके स्किन में होने वाली डलनेस और एजिंग से भी बचाती है। ये आपको डीप हाइड्रेशन के साथ साथ आपकी स्किन पिगमेंटेशन को भी कम करता है और ब्राइटन स्किन प्रोवाइड कराता है। आप भी वाओ के सारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो इनकी वेबसाइट से या फिर अमेजोन से, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी किसी तरह का हार्श केमिकल यूज नहीं होता, लाइक नो सल्फेट, नो पैराबन, नो सिलिकॉन और नो एडिड कलर। ये सारा सामान ना हमने पर्दे वर्दे सब काम चलाऊ टाइप के ना रखे, क्योंकि हम जब नया घर लेंगे मतलब ले लिया जो अभी मिल जाएगा 2-1 महीने में, उसके बाद ही सारा नया सामान लेकर आएंगे। अब यहाँ नया ले आया मैं और फिर वहाँ पे फिर पुराने मतलब वही नए फिर वहाँ लेके जाऊँ तो अच्छा से ना लगे, इसलिए वहाँ के लिए सारा सामान नया। चलो जी प्रधान जी लेट्स गो, अरे धूल कैसे उठ रही है इसमें, साफ करे इतने पहले जो तू चला रहा है इसने, मेरे पे तो BMW थी कुछ दिन से। हमारा एक परमो धर्म मम्मी जी की तरफ से जय गौ माता। ये काम सबसे पहले मम्मी जब भी हम घर से निकले मम्मी ने सबसे पहले ये काम याद आवे गाय की रोटी ले जाइए। चलो भाई एक साथ खा दे। हाँ अब यूनू कह रहा बताना तेरे हाथ से खाएगी बिकना, तो फिर गाय 3 रोटी में की गाय तो इतना बड़ा मोहन तो क्या दिक्कत है, मगर पता नहीं तेरे हाथ से खाएगी बिकना क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचा तूने कि मेरा ये गाय खाए ना करे, मतलब ये यहाँ पे चरने के लिए मिर्जा जैसे घास भूसा इसलिए कह रहा हूँ पेट भर रहा होगा कभी। अरे सच्चे दिल से खिलाओ खिलाओ ना किसी, तो कुछ तो जरूर खाता है इंसान।
इसका ना डर कोई शर्म बेशरम हो रही है मेरे तरिया नु समझ लो एक तरह से। तो मैं तो अभी एक चीज सोच रहा था कि जितनी भी दुकान वकान है सब कुछ बंद पड़ी है ठीक है, और जो दुकान का जो रेंट वेंट है वो सबको देना पड़ रहा है, क्योंकि दुकान नहीं दोगे तो वो खाली करवा देगा मालिक, जो कितना नुकसान हो रहा है यार इस टाइम पब्लिक का, सबका ही हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं भाई, और कितनी गंदी होगी भाई, यो इतना गंदा तो कभी मैं भी ना रहा जितनी गंदी हो रही है। देखिए इसने तक कोई चोर और भी ना ले गए, चोर छोड़ पुलिस भी ना ठाके ले गई, नहीं तो पुलिस वाले तो ले जाएगा, इसने वो ले जा गए, चोर पुलिस कोई हाथ ना लगा रहा किसी चीज के। पहले इसमें लाइट आ रही थी, इसमें अब लाइट भी ना आ रही, कुछ भी ना हो रहा भाई, इसे ले चल टोचन वोचन करके। कल है ना 24 तारीख, कल खत्म होगा ना लॉकडाउन तो यहाँ का, हाँ तो कल खुल जाएंगी दुकान, कल करवा दियो फिर। जब तक बारिश का मौसम रहे ना तब तक ही ठीक रहे, तब तक ही मन लगा रहा है, उसके बाद तो बहुत आफत हो जाए यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरा बुरा हाल हो जाए। गर्मी में मेरे को सर्दियाँ पसंद है, सर्दियों में भी कितनी भी सर्दी पड़ रही है कोई दिक्कत ना, कपड़े ज़्यादा पहन लो चल जाओ, गर्मियों में मेरे तो सहन ना हो बिल्कुल भी। अब यही सब ठीक करने की कोशिश कर, मतलब देख रहा है कोशिश में एक दो चीज़, अब कल जब ये वो हो जाएगा ना लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब इसे लेकर जाएगा डॉक्टर के पास, मेरा देखना ना देखना तो बराबर ही है, इसलिए मैं अलग खड़ा हूँ, मेरे से कोई फायदा ना, मेरे को समझ में ना आ रहा कि हो रहा है कि ना हो रहा, मैं तो उसकी चाबी भी ऐसे नीचे मार कर स्टार्ट कर रहा था मेरे, क्योंकि एक बार मैंने पहले करी थी ना वैसे हो गई थी, इसने पता नहीं निकाल गया कुछ करके खोल तो दी वो पता नहीं कैसे करा। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं थोड़ा सा दुखी हो चुका हूं इस गाड़ी से, मेरा जूस पीने का मन कर रहा है इस टाइम, ऑरेंज जूस फ्रेश, अगर मेरे को कोई एक गिलास नहीं एक जग ऑरेंज जूस दे जाए तो इस गाड़ी को ले जाओ बेशक, उसमें भी तुम्हारा ही नुकसान है शायद, मेरे ख्याल से मजाक कर रहा हूं यार, इसके अभी पानी घुसा हुआ है क्या कर सकते, कल ठीक हो जाएगी बेचारी। और ये इतिहास में पहली बार गाड़ियां किस करते हुए ये देखिए, चले जाओ ये नहीं बता जी सच में ही रास्ता ना पता था, मैं किसी का मजाक ना उड़ा रहा था, तो कह रहा सर मेरे को कापा सेटा बॉर्डर जाना, मैंने कहा चले जाओ कह रहा रास्ता नहीं पता, मैं क्यों नहीं होता गर्म से तो आ रहा है, आया अभी आई थी आई देखी। इसमें यह भी दिक्कत है अगर गाड़ी बंद होगी ना तो ये पार्किंग मोड पे लग रही है, तो पार्किंग मोड मतलब हैंड ब्रेक एक तरह से खींचा पड़ा वो हटा ना फिर, मतलब आगे पीछे ना कर सके, अभी इसने करके बैटरी स्टार्ट करके न्यूट्रल पे लगा दी, अभी इसने कम से कम ये है कि टोचन वोचन करके खींच के ले जा सके हम कहीं भी। हाँ तो गाने तो उस दिन भी चल रहे थे मेरे सामने भी चल रहे थे भाई, गाने तो कोई वो ना है, मेरे को नहीं आता है, आशीष होता जी को आता है, कैसे करेगा वो किस में लगा कह रहा है, ब्लूटूथ में लगाएंगे क्या कंप्यूटर अच्छा उसे फिर हो जाएगा, इसमें देखेंगे क्या कमी है। अच्छा 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 तो चल भाई ले चल फिर, यो छोरा इतना ज्यादा क्यूट है पूरे रास्ते अपने मजे दिवाते रहा, राम भी के साथ बढ़िया टाइम पास हो रहा। जतिन गया अभी कुछ उसका सामान वामान, मतलब एक कह रहा मैं खुद ही ठीक कर दूंगा, बताना यूट्यूब पे देख के क्या चीज़ करे, उसको कुछ पार्ट निकाला, मतलब एक था वो फ्यूज सा था कुछ वो निकाला और नुकारा इसे चेंज करूंगा, अब लेने के लिए गया खरीदने के लिए, तो मैंने कहा इतना नारियल पानी पी जाए भाई, अगर हम बिना पैसे दिए भागे तो पकड़ लोगे हमें, अगर हम बिना पैसे दिए भाग जाए तो पकड़ लोगे, हाँ ना तो बताओ ना पकड़ पाओगे, देखा भाई ना बेरा में तेज भागू, ले तो आ जा भाई ये सामान अपना केले का लग जाएगा, मैं लगाऊं लगा दे तो लगा दे, अगर होगा काम तो दुख ज्यादा होगा कि पिछले 4 दिन तक एक छोटी सी चीज के लिए खड़ी थी यार, अरे अतने पता था इसका अगर होगा तो ज्यादा दुख होगा मेरे को, मेरे साथ ऐसा उल्टा सिस्टम है, मैं ना वो लेकर आया थर्मामीटर लेकर आया वो बुखार वुखार नापने का, उसके बाद मैंने 4-5 बार नापा बुखार आया ही ना, फिर मैंने क्या फायदा यार पैसे वेस्ट हो गए, तो वैसे ही मैं सोच रहा हूँ इसमें प्रोसेस हो चुका है हमारा, जो चेंज करना था वो चेंज कर दिया, आप देखो लेकर प्रभु का नाम अगर हो जाए तो नहीं मानी बात भाई, नहीं मानी बात, जब जब गाड़ी वाड़ी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, मतलब गाड़ी खराब हो गई कुछ भी होगा तो मेरा फोन की बैटरी हमेशा खत्म हो जा रहा है और ये बंद हो जा रहा है, ऐसा अब हो गया, कहां मैंने सोची थी कि आज वो बनाएंगे, मैं सोच रहा था एक दो रील्स वील्स बनाऊंगा बढ़िया, ना धो के आया था अपनी तरफ से, ना धो के आया था बड़े तैयार हो गए यार, फोटो खिंचवानी थी आज, मैंने व्हाइट जूते पहन गया था व्हाइट टी शर्ट पहन गया था, बढ़िया फोटो आती, मैंने गाड़ी के साथ तो खिंचवाई है वैसे BMW के साथ, वही डाल दूंगा चलो इंस्टाग्राम पे। रात के 12:45 बजे बिग बॉस चाहते हैं हमें, आज उठ के बैठ के नो करे लेटे लेटे, मैंने लेटे लेटे ही दिखा यू ना उठा, पर बेचारा मैं इसके छोड़ो खैर कोई बात नहीं। तो गाइज ये रूम है ना, ये मम्मी का रूम है, अब हमारी क्या होती है रोज रात को यहाँ मीटिंग होती है कि भाई कल क्या करना है परसों क्या करना है, कौन सा घर खरीदना कौन सी गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी के हमारे इतने हम रोज खरीद लें बेटा सारी चीज़ डेली हमारा ये डिस्कशन चलेगा, ये पुराना डिस्कशन है हमारा पहले जब पापा थे तो हम चारों ऐसे बैठ के रात नू रह करती कि वो वाला घर ले लेते हैं आज वहाँ घूम आते हैं, यहाँ इस प्लाट ले लेंगे, उसमें 3 मंजिला ये बना देंगे, उस पर ये कर देंगे, उसमें किराया कर देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ भी ना हो करते उसमें, तो बहुत सारी बात अलग है सबके घर में चलती होंगी ऐसे। तो कुल मिलाकर बात ये है, आप अगर रात को हम यहाँ बैठे हैं समझ जाएगा कि मीटिंग चल रही है कुछ बहुत भयंकर, मतलब कुछ लेना देना ना उस मीटिंग से कुछ भी, ना तुम्हें ना हमें, पर चल रही है रात गई बात गई हाँ, तो इसलिए हम यहाँ बैठते हैं। तो कुल मिला के हमारा मीटिंग रूम है ये, इसे फर्क ना पड़ रहा है, इसे कोई लेना देना ना, जींस पहन के गर्मी में भी, अरे कैसे तरबूज काट के फ्रिज में रख रखा है इसने, बिल्कुल चिल्ड, और उसमें फ्रीजर में रख रखा है
चिल्ड हो रहा होगा बिल्कुल, भयंकर खाने में मजा ही आ जाएगा। अगर मीठा हुआ तो, अगर मीठा ना हुआ तो खा लेगा फिर यही। दिल तोड़ दिया यार इसने, मैंने सोची काट के रख रखा हुआ है, इसने फ्रीजर में ऐसे साबत का साबत गुजार रखा था। बताओ मेहनत करनी पड़ेगी। चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, हाथ में झटका सा आ गया यार मम्मी, आज बोल फेंक थी ना चक्कर में आ गया। एक बात बताऊं या तो तू खेलन मत जाए कर, अगर तू खेलन जाए तो मेरे को ये बात मत बताया कर यार, कभी कभी खेलन तो हो जाता है। एक तो मैं बॉलर रहा हूँ ना, मैं बॉलिंग भी फेंक लूँ, इतना ठंडा जैसे बर्फ की सिल्ली ठा ली। कम मीठा तो मैं तो कोई बात नहीं खा ले, अभी इसमें फेंकन नहीं दूंगी, तो मुझे ना लाओ तरबूज फेंक दो ऐसे कैसे पूरे। मैं तो थोड़ा सा ही खाऊंगा, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी पता है क्या हुआ, मैं आपको अभी का एक किस्सा शेयर करता हूँ। मैं नहा धोके ज्योत बत्ती लगा रहा था, मैंने कहा ज्योत बत्ती लगा दे, मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह सुबह पड़ जाओ अपना नहा धोके मस्त ज्योत बत्ती कर रहा हूँ, भगवान में पूरा पूरा ध्यान, धूप बत्ती आगे से फिरा रहा हूँ। एकदम था ना मेरे को खुशबू आई किस चीज़ की, मैंने कहा यार ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है, मैंने फील करा तो वो थी चटनी की, चटनी बनाई मम्मी ने। मैं आया मैंने मम्मी क्या बना, मतलब ज्योत बत्ती खत्म करी मेरी भारी होगी, मेरे ना मुँह में पानी आ गया, मैंने कहा बना रखा सुबह सुबह, जबकि मैं रोटी खाया ना करूँ, पहले ये रहेगा प्रोटीन खा, प्रोटीन पी लो या चाय वाय पी लो, कुछ भी पी लो पर रोटी सुबह सुबह ना। लेकिन चटनी की खुशबू सुन के मैं ऐसा होगा, मैं वहाँ ज्योत बत्ती करनी मेरे भारी होगी, मैंने कहा यार यू क्यों होगा, कहाँ तक खुशबू आ रही है, चटनी बना रखी थी यार मम्मी ने। मम्मी ने चटनी क्या करा मम्मी आपने, हरा साग बना रही है मम्मी, खाटे का साग बना रही है, मतलब अलग अलग इसमें बताने एक एक चीज़ बोले कहीं, सब के अलग अलग रहा, हमारे मतलब खाटे का साग और हरा साग बोले तो ये बना रही है मम्मी। मम्मी वैसे आपने ना पेट बढ़ा दिया, जो है पेट है पहले एक बाल्टी पानी में, जैसे ये वाला बाल्टी का वो रह करता और एक रह करता, एक लुटिया रह करती जो मंदिर की लुटिया है, तो उसमें एक एक लुटिया रह करता सूरज से दे दो, बाकी सारा उसमें डालो तुलसी मैं उसमें ना, एक बाल्टी पानी में सारा कुछ हो जाया करता, फिर धीरे धीरे दो में उन लगा, अब तीन बाल्टी में निपटा मैं ऊपर नीचे झुक झुक के परेशान हो गया। कम हो जाएगा, यो कम हो जाएगा, हाँ फेस फैट कम हो जाएगा, वर्जिश करवा दूँ मैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, यही चाहिए था मेरे को, आज का वर्कआउट होगा, मतलब मैं प्रोटीन पी लेता हूँ। चलो इस ब्लॉग को मैं यही खत्म कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि लेट हो गया मैं थोड़ा सा उठने में, मम्मी ने जल्दी उठने की गई थी लेकिन मैं लेट उठाऊँ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। La 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 oh 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 la 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 la